बड़वानी में सेंट मैरी स्कूल के छात्र छात्राओं के पालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर स्कूल की फीस कम करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने के बाद भी प्रबंधन लगातार फीस मांग रहा है, जबकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। सेंट मैरी स्कूल के छात्र छात्राओं के पालक आज स्कूल पहुंचे, जहां प्राचार्य से मिलने का प्रयास किया, लेकिन प्राचार्य ने उन्हें समय नहीं दिया। पालकों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से स्कूल बंद है, बच्चे लॉकडाउन में पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद प्रबंधन के द्वारा फीस मांगी जा रही, साथ ही धमकाया भी जा रहा है कि अगर फीस समय पर जमा नहीं की तो बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। जिसके बाद आज सभी पालक प्राचार्य से मिलने गए, लेकिन उनके द्वारा समय नहीं देने के बाद सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को लेकर दिया गया ज्ञापन कलेक्टर तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद जो भी निर्देश मिलेंगे उसमें कार्यवाही की जाएगी। बड़वानी से अतुल कुमाऊँ की रिपोर्ट। सेंट मैरी स्कूल में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनके पालकगण यहाँ पर सेंट मैरी स्कूल में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनके पालकगण यहाँ पर आए थे। उनकी कलेक्टर महोदय के नाम पर उन्होंने ज्ञापन दिया है स्कूल के द्वारा फीस बढ़ाए जाने को लेकर के, इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो यह ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारी तक पहुँचाया जाएगा, जो भी कार्रवाई ऊपर से निर्देशित होगी उसके तारतम्य में आगे कार्रवाई की। मैडम वो एक मुश्त पैसा मांग रहे हैं, किस्तों में पैसा देने का नियम है? नियम तो है, लेकिन वही है कि अभी जो ज्ञापन दिया गया है उसके आधार पर जो भी कार्रवाई के लिए हमें निर्देशित किया जाता है उसके आधार पर। मेरा नाम दर्शिका। कलेक्टर आकर अभी हमने ज्ञापन दिया, सभी पालकों ने पेरेंट्स ने यहाँ पर मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि आपकी ज्ञापन के पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरीके की दिक्कत आ रही है आप लोगों को स्कूल गए मुलाकात नहीं हुई? स्कूल गए तो हम करीब हाँ 1.5 से 2 घंटे के आसपास 100-150 पेरेंट्स वहाँ पर उपस्थित थे। हम बार बार निवेदन कर रहे थे कि प्राचार्य महोदया जो है वो हमसे मिलने की कोशिश करें, हमसे मिल ले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कर ले, लेकिन वो अपने चैम्बर से बाहर आकर बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें कम से कम फीस पूरी फीस न वसूल की जाए, तथा जब से स्कूल खुलेंगे स्कूल चालू होंगे तब से ही फीस ली जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।